देखो कैसे इसका, वाह यार आत्मा बहुत अच्छा। ऐसे ही खाना, यही तो खाना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा बहुत सामान भी बाकी रह गया है, वो भी थोड़ा ले लूंगी। दोपहर का धूप बहुत है यार, दोपहर का टाइम है ना, टाइम भी कम है ना, जाना बस जरूरी है, टाइम कम है। तुम्हारे साथ नेक्स्ट टाइम नीचे नहीं चलने वाला, बस बात खत्म। नीचे गई थी चिकन लेने के लिए और फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए, लेकिन गई तो मेरी जोर की नमाज हो गई, अब मैं इफ्तार की तैयारी करने चली। नमाज का भी टाइम हो रहा है, बस नमाज पढ़ती हूँ, तिलावत थोड़ी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद है ना इफ्तारी में क्या बनाती हूँ, कैसे करेंगे हम लोग इफ्तारी, आज का रोजा आप लोग देखिए इंशाल्लाह। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू और चिकन का पेटीज। ये मैंने चिकन है ना इसको बॉईल करके इसको रेशा रेशा इसका कर ली हूँ, अभी ये फ्राई पैन गरम रख दी, इसमें पहले चिकन डाल दूंगी मैं, थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल की थी इसमें, ज़्यादा नमक नहीं डालूंगी, थोड़ा सा ये काला नमक डालूंगी, थोड़ा काला नमक डाल दी मैंने, एक चम्मच मिर्ची का पेस्ट डालूंगी। असर का टाइम हो गया जन, हाँ। नमाज पढ़ लेना। इसको एकदम सूखा ही रखना है। कबाब बना रहे हो उसके? पेटीज बना रही हूँ। पांच छह तो बनी जाएगी ना? हाँ हम दोनों को बस हो जाती है, बस हो जाएगी। हाँ। ये रेड चिल्ली का सॉस डालेंगे, थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे, आधा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालने का, फिर उसके बाद इसको फास्ट करके ना थोड़ा देर अच्छा भून लेंगे, जरा थोड़ा सा भी इसको गीला नहीं रखेंगे, नहीं तो फिर वो आलू डालेंगे ना बॉईल तो फिर बनेगा नहीं। अंडा भी लगता है जन? नहीं अभी नहीं, तलने के टाइम पे अंडा डाला जाता है ना, तलने के टाइम पे डाले, तलने के टाइम पे ना। हाँ। अभी ये हो गया, फिर उसके बाद डालूंगी मैं थोड़ा सा नींबू का रस, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा नींबू का रस डालूंगी, और ये मैं इसमें डालूंगी काली मिर्च जीरा का पाउडर, डालने के लिए बहुत लोग गाजर भी डालते हैं घस के, शिमला मिर्ची भी बारीक बारीक काट के डालते हैं, पर मैं नहीं डालती, मुझे पसंद नहीं है, आपको डालना है तो आप लोग डाल सकते हैं, थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स डालूंगी, और लास्ट में इसको गैस बंद करके मैं इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर डालूंगी, ताकि जो थोड़ा बहुत भी मॉइस्चराइज इसके अंदर होगा ना वो पूरा अच्छे तरीके से सूख जाएगा, और अब इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी, और बॉयल आलू मैंने कर दी हूँ उसको मैश करके, फिर मैं मिला के आगे बताती हूँ क्या करना है। ठंडा हो गया है, इसमें थोड़ी कोथमीर डाल दी हूँ, अभी देखो ये मैंने आलू है 3 से 4 मीडियम आलू थे, उसको मैंने बॉईल कर ली और इसको मैश करके अभी ये इसमें मिला देंगे, पूरा आलू जाएगा इसमें? हाँ पक्का। हाँ अभी मिलाने के बाद थोड़ा सा नमक आलू में नहीं डाली थी ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नमक डालना है, इसको अच्छे से मिक्स करना, ये अच्छे से पूरा मिक्स करके
तो ये मिक्स हो गया ना, अब इसको हम लोग पेटीज बना लेंगे। पेटीज बनाने के लिए इसे गोल गोल तले करके फिर इसको शेप कैसे भी दे सकते हैं, गोल भी दे सकते हैं। ये ऐसे मैं पूरे बना लूँगी अभी। ये मेरी पेटीज रेडी हो गई है, अब इसको फ्राई करना है। बताती हूँ कैसे फ्राई करते हैं। तेल गरम हो गया है, अभी ये मैंने ना ब्रेड का क्रम बना के रखी थी, ये अपना क्या बोलते हैं उसका भी बना सकते हैं। ये अंडा है, अच्छा ये अंडे है क्या? हाँ हाँ, ये मैंने ना बटर का क्रम बनाई हूँ, अपन ब्रेड का भी बना सकते हैं। ऐसा बटर के क्रम में इसको कर लेने का, फिर उसके बाद ये अंडा है, दो अंडा मैंने अच्छा अच्छा तो बटर होगा, तुमने भुक्का करे उसे? हाँ, हाँ, मिक्सर में पीस लेने का। हाँ, मिक्सर में पीसे हो। हाँ, फिर ये देखो इसको अच्छे से इसकी कोटिंग करके फिर ये गरम तेल में इसको डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो माशाल्लाह, अच्छी बात है। इसे टेस्ट आता है क्या होता है? फूटेगा भी नहीं और टेस्ट भी आएगा ना, अभी अंडा है तो टेस्ट तो आएगा ही। नहीं बटर से, बटर से वो फूटेगा नहीं, एकदम पेटीज की तरह एकदम स्वाद रहेगा उसमें। देखो ये इस तरीके से वो थोड़ा मुंह में जैसा कड़क कड़क बन रहता है वैसा। हाँ, क्रिस्पी लगेगा, क्रिस्पी लगेगा। अच्छा लगता है। कैसा भाग भाग के काम करना पड़ता है ना, एकदम फिर टाइमिंग नजदीक आता है तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, एकदम टाइम भाग रहा है। तुमको इसलिए बोला मैं, रात में सो जाओ सहरी के टाइम उठो, तुम सुबह तक जागे थे। नहीं मामा, बस अभी सो जाऊंगी आज बस। ये दस्तर सज रहा है, ये शाहनवाज देखो फ्रूट काट रहा है। चलो रोजे का टाइम हो गया है, अभी तारीख करते हैं। दुआ पढ़ाओगे ना जल मेरे को? बहुत अच्छा माशाल्लाह। चलो आसमा नमाज पढ़कर आ गई है अभी, अब मेरी बारी है, मैं जाता हूँ नमाज पढ़ने के लिए। थोड़ी सी अफ्तारी करके वो चली गई थी नमाज पढ़ने के लिए। सुस्ती आती है बाद में, उसके बाद पापा पहले खा लेंगे थोड़ा सा नमाज पढ़ने के, फिर वापस खाने बैठ जाऊंगी। चलिए अभी और ब्लॉग बनाते रहेंगे और आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपको अगला और ब्लॉग मिलते रहेंगे। चलिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।